अपने बच्चे जाते हैं स्कूल में, तो बच्चों को जो गवर्नमेंट सरकार देता है खाना और बच्चे लोगों को वो भी मिलता नहीं है। जो बच्चे लोगों को कपड़े के लिए पैसा भेजता है सरकार गवर्नमेंट, वो भी वो शाला मास्टर और ये शिक्षक लोग आए नहीं, ऊपर से मिले नहीं, सरकार ने डाले नहीं। अभी तक हमारे बच्चे लोगों को कोई सहूलत मिली नहीं यहाँ की शाला की। हाँ, सबका एडमिशन स्कूल में हुआ है कैसा बच्चों का? ये छोटे छोटे बच्चे सब शाल में जाता है। हाँ, कोई दूसरी में है, कोई पहली में है, कोई सातवीं में है, कोई आठवीं तक गए, पर अभी तक उनको कोई सरकार का लाभ मिला नहीं। इनके तरफ से जो बातें बताई गई है कि घरकुल योजना, बच्चों को जो सुविधा जो गवर्नमेंट स्कूल से मिलना चाहिए वो भी नहीं मिली है, इनको यूनिफॉर्म वगैरह भी नहीं मिला जाता है यहाँ पर, इसी कुछ बातों के लिए से आदिवासी लोगों को यहाँ पे मतलब आउटलाइन करने की कोशिश करी जाती है। तो मैं इसी कुछ बातों मैडम से पूछना चाहूँगा, जो ये लोग खुद बताएंगे कि भाई यहाँ पर घरकुल योजना का जो इनको लाभ नहीं मिला है, उनका मानना ये भी है, ये आरोप लगा रहे हैं सीधे सीधे तहसीलदार के ऊपर या फिर आगे सरपंच के ऊपर कि भाई आगे से पाटिल कौन बड़े ऊँचे लोग यहाँ पे घरकुल योजना इनको पास करी गई है, ऐसा इनका मानना है। मैं इसी लोगों से और पूछना चाहूँगा। मी इदो म्हणून मी इथं आई बापन पशी घरकुल नाही आहे, मला कुपन नाही आहे, गॅस नाही आहे, पगार नाही का घरकुल भेटत नाही, काहीच नाही बा आपला आदिवासींना भेटतच नाही। हा कुपनवालाकडं जातो तर कुपनवाला म्हणतो तुमचं नाही आहे बा। कोण कुपनवाला आहे, त्यांचं नाव काय? नाव त्यांना आला प्रकाश। कार्ड कोण सा आपलं? कार्ड नाही आहे ना, आधार कार्ड आहे फक्त। अजून पण तुम्ही वोटिंगचं कार्ड वगैरे बनवलं नाही का? जो आपकी जो मॅडम है, जाधव मॅडम, उनके पास दो बार लेके गए कागद पत्र, सब जगह सया मिल गया, पर जाधव मैडम ने दो बार भी उनका कागज पत्र पलट कर दिया। ये नहीं वो इलेक्शन कार्ड की वजह से आपका मतलब रिजेक्ट करे गया वहाँ पर, ये बता रहे हो? वो बोलते ये लेके आओ, वो लेके आओ। वो जो बच्ची है, जो मायाबाई युवराज ये नाम की लड़की है, ये दो बार लेके गई राशन कार्ड बनाने के लिए दो का भाव, और उन्होंने सही करी नहीं वहाँ पर। सब जो कर्मचारी है उनका सया मिल गया, पर दो जाधव मैडम है उसने वो बच्चों को दो बार भी हकल पट्टी कर दिया। हो कार डॉक्यूमेंटली गिरी हुई होंगे, उसका इसलिए कर दिए होंगे शायद, है ना? तो आपसे इनसे बात करके बहुत खुशी हुई मुझे, पर मैं ऐसे लोगों से पॉलिटिशियन लोगों से गुजारिश करता हूँ जो व्हाइट कपड़े पहन के घूमते गाँव के अंदर, और वो लोगों से मैं गुजारिश करूँगा जो अपने आप को बहुत बड़ी योजना पास करके लाने वाले लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं इंडिया के अंदर, कि देखो सही योजना का जो नाम दिया जाता है ऐसे लाभ के हकदार जो होते हैं वो ये लोग होते हैं जो इन तक आप जरूर पहुंचाए। जो बीपीएल में नाम होता है और सरकार गवर्नमेंट बोलता बीपीएल वाले को राशन चाहिए, मगर वो राशन भी मिलते नहीं है, हमारे बाल बच्चे भूखा मरते हैं, और जो कोई ये है ठंडी में तड़पड़ करते हैं, हमारा घरकुल नहीं है और राशन मिलता नहीं गवर्नमेंट का, और मोदी सरकार ऊपर से भेजता है, लेकिन जो नीचे के कर्मचारी है ये हमारे तक पहुंच करते नहीं है, ये बात है। इसलिए हम उज्ज्वला योजना के अंदर हर घर में गैस दिया गया है आदिवासियों को, गरीबों के लिए, तो आपको तक भी कुछ पहुंचा होगा ना कि आप भी आप देख रहे हो मैं चूल्हे में खाना बना रहे हो आप, इसका वजह कि आपके पास उज्ज्वला योजना का गैस तो दिया गया होगा ना आपको फ्री वाला? खाली एक ही दिया गया है और बाकी को नहीं दिया गया है, पूरे गाँव में एक एक को दिए। हाँ, आदिवासी के फक्त एक ही के। मैं गुजारिश करूंगा यहाँ के पॉलिटिशियन लोगों से भी कि इस गांव में आकर जरूर सर्वे करें आप, क्योंकि यहाँ पे कितने लोगों को योजना दी गई है, और आप देख सकते हो यहाँ पे टॉयलेट तो बनाई गई 10,000 रुपये देकर, पर ये जब भरेगा जब यहाँ पे उनको खाने को मिलेगा, खाने के लाले लगे हुए हैं तो ये टॉयलेट बनाने का फ़ायदा क्या है? तो आप लोग इनके पास से सेवा देंगे सर? ये न्यूज़ देख रहे थे आप वाकड़ू वाकड़ी से जो चालीसगांव तालुके में आता है। मैं यहाँ के बड़े बड़े पुढ़ारी लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप इस गाँव में ज़रूर जाइए और ऐसे गरीबों की मदद ज़रूर कीजिए आप, और देख